अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको PWD अंडरपास जो बन रहा है उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये मैं बिल्कुल गुलबर्ग के अपोजिट गुलबर्ग को क्रॉस कर रहा हूं, और जो बॉटल नेक थी वो फिलहाल क्योंकि अंडरपास अभी तक नहीं बना तो ये बॉटल नेक जो है वो इन प्रोसेस ही है। ये इसी तरह से अभी भी ट्रैफिक यहाँ पर रुकी हुई है, और यहाँ पर आकर जो है वो क्योंकि 5 लेन से 2 लेन पे कन्वर्ट होती है तो सारी ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ट्रैफिक बहुत स्लो हो गई है, बाज़ जगहों पर बिल्कुल स्टक भी हो जाएगी। आगे चलकर देखते हैं कि अंडरपास जो है या जो लूप्स बन रहे हैं PWD और बैरियर वाले, उनकी क्या सिचुएशन है और कितना काम रह गया है, क्योंकि गवर्नमेंट 2-3 दफ़ा अनाउंस कर चुकी है कि वो इसको ओपन करने वाली है, और 1-2 दफ़ा जो है वो इसकी डेट्स भी चेंज हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद इसकी क्या फैक्चुअल पोजीशन है, ऑन ग्राउंड काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं गुलबर्ग वाला, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी काम जारी है रोड की कंस्ट्रक्शन का, जिसके बाद जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर ज़रा चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये भी रोड जो है ये 5 लेन हो जाएगी इंशाल्लाह, और इस एरिए के लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी जो है वो यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, ट्रैफिक स्टक हुई होती है, और डेली जो लोग सुबह शाम दफ्तरों में आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड पे के काम जारी है ज़ोरों शोर से। PWD वाला अंडरपास बनने से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये वाली जगह है, ये जगह ओपन होगी तो ये बॉटलनेक यहाँ से ख़त्म होगा। अब तो पीछे तक ही काम हो रहा था, इससे आगे जो है वो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, साइड पे कोई कटिंग नहीं है दोनों साइड्स पे पहाड़ों की, वो कटिंग होगी तो ये रोड्स खुली होंगी और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बरकरार रहेगा। लीजिए जनाब, ये हम कंस्ट्रक्शन एरिया में एंटर हो रहे हैं, हमारी राइट साइड पर PWD है, और आप देख सकते हैं कि ये सारा काम है जो अभी यहाँ पर चल रहा है। इस जगह से आगे जो है अभी तक रोड में डाइवर्जन ही हैं, बिल्कुल सेंटर में जो जगह है वहाँ पर अभी काम चल रहा है, मशीनरी लगी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरमियान में ये कंक्रीट हो रही है रोड राइट साइड पर, ये फैक्चुअल सिचुएशन है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, ये दरमियान में काफ़ी सारा काम हो गया है, रोड बन रही है सीमेंटेड, और ये जिस जगह पर हम जा रहे हैं शायद इसको लूप्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ये रोड भी बन चुकी है, तो लग यही रहा है कि जल्द से जल्द ही ये काम जो है पाया तकमील को पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं मशीनरी जो इस राउंड अबाउट को या इन लूप्स को दरमियान से सेटल कर रही है। अभी हम घूमते घुमाते इसी गोल चक्कर के पास से ये राइट साइड पर ओवरहेड्स बन चुके हैं, उनका काम कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि जल्द ही इसकी ओपनिंग, जिस तरह की गवर्नमेंट ने अपडेट दी है 1 माह की, उस 1 माह में मुझे फील होता है कि ये काम इनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर काम हो गया है। अब ये रोड्स सिर्फ पक्का करने वाली चीज़ रह गई है, और वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इनके काम में भी आसानी करे और इनकी मदद करे, जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का
ट्रैवल टाइम बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी इससे। हम PWD से आगे गुजर आए हैं, मेरी राइट साइड पर स्वां गार्डन है और लेफ्ट साइड पर मेरे जिना गार्डन है। ये आप देख सकते हैं जी। अब हम दोबारा अपने रोड पर चढ़ गए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, आपको अपडेट करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो इस्लामाबाद टू बैरिया टाउन की थी उसमें पूछा था और सर्च भी किया था कि PWD अंडरपास जो है उसकी क्या प्रोग्रेस है और कहां तक काम पहुंचा है। तो ये वीडियो आज उन भाई बहनों के लिए, आई होप कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।